dear students in this module we are going to discuss the functions of deviance that whether deviance can be considered functional in nature you would be surprised to see this or you would be surprised to hear this question that how is it possible that antisocial behavior can also be considered functional in nature so deviance can serve several functions in society इंक्लूडिंग री इनफोर्सिंग द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हम ये अक्सर देखते हैं कि जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है जो डेवियन बिहेवियर होता है उसको हमेशा नेगेटिवली परसीव किया जाता है जबकि अगर हम सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि डेवियन बिहेवियर जो है इसके बहुत से पॉजिटिव फंक्शंस भी हैं मिसाल के तौर पे ये आपके लिए राइट और रॉन्ग रादर गुड एंड बैड को क्लैरिफाई करने में भी हेल्प करती है अगर डेविएंट बिहेवियर नहीं होगा कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा तो नॉर्मैलिटी जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो पाएगी यानी जो चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे जहन में बाइनरी ऑपोजिशन के अंदर आ, आते हैं जब एक कॉन्सेप्ट का एंटोनिम मौजूद होगा तो ही हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आता है अगर हमारे सामने रॉन्ग कमिट हो रहा है तो हमारे जहन में फ़ौरन सेंस ऑफ राइटनेस पैदा होगी सो डेवियंस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन ऑल्सो ब्रिंग अटेंशन टू डिफरेंट सोशल ईशूज एंड इट कैन प्रमोट द चेंज बात ये होता है कि डिवियंसी जो है एक कॉन्टेक्स में तो नेगेटिवली प्रसिव हो रही होती है लेकिन लेटर ऑन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो पॉजिटिव बरामद होते हैं मिसाल के तौर पर जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं जो एजिटेशन की मूवमेंट्स होती हैं जो एहतजाज होते हैं वो इन दैट context, वो यही महसूस हो रहा होता है कि शायद इसकी बदौलत कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो निकल रहे हैं और इसकी वजह से वायलेंस uh, की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं लेकिन लेटर ऑन जब वो सोशल मोमेंट सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हमें उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविज़म अगेंस्ट गवर्नमेंट करप्शन कैन बी कंसिडर डिवियन बट इट हैज़ प्लेड a very crucial role in bringing about the social change then deviance can also serve as a way for individuals to express their individuality and challenge the societal expectations. whatever is going on in practice is appreciable is ideal and is positive. बहुत सी चीज़ें जो है वो नेगेटिवली भी अकर हो रही होती हैं लेकिन माशरे के अंदर वो नॉर्मेलिटी का दर्जा पा चुकी होती हैं अनफॉर्चुनेटली जैसे करप्शन है जैसे ब्राइब है तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत हद तक हम इनको नॉर्मल कंसिडर करना शुरू हो गए हैं लेकिन इसके हवाले से अगर कोई डिवियन बिहेवियर अडॉप्ट करेगा इसको रिजिस्ट करेगा तो लेटर ऑन इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बरामद हो सकते हैं हावेवर डिवियस कैन ऑल्सो लीड टू स्टिग्मा एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो डिपेंड करेगा कि आपका डिवियन बिहेवियर किस तरह का है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है तो डेफ़िनेटली माश्रा उसको जो है बड़ी शिद्द के साथ रजिस्ट करेगा और उसके हवाले से जो है वो एक स्टेरटिपिकल एटीच्यूड भी रखेगा और आपके हवाले से स्टिगमा भी डेवलप करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल टेरोरिज्म अ टेरिस्ट इज़ कंसिडर्ड अ डिवीन पर्सन एंड हिज़ बिेवियर इज़ल लेबलाइज एज एंटी सोशल बिहेवियर और उसके हवाले से मुशर जो है वो बड़ी सख्ती से रजिस्ट करता है और उसको जो है अपोज करता है सो द फंक्शन्फ डिवियंस कैन ऑल्सो वेरी एकर डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज़ एक ही तरह के रवैये के हवाले से जो डेवियंसी है वो मुख्तफ अंदाज से डिफ़ाइन हो रही होती है कहीं पर मिसाल के तौर पर जो इन अप्रोप्रियट ड्रेसिंग है अगर वो पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स के अंदर होगी तो शायद उसके हवाले से रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा लेकिन अगर वही डेवियन्सी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर कमिट की जा रही होगी तो वहाँ पे एक मुख्तु तरीके से रिएक्शन आ सकता है तो डिपेंड करता है कि डेवियन्सी जो है किस कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स में कमिट हो रही है उसके हवाले से रिएक्शन या सेंकशंस भी जो हैं वो उसी कॉन्टेक्स में पैदा होती हैं